डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि गल्फ टैलेंट हो गया, बैत हो गया, खलीज टाइम्स जॉब्स हो गई, वहाँ पे अप टू डेट आपकी जॉब्स आती रहती हैं। सीवी बनाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि यहाँ पे यूज़ होता है ATS फॉर्मेट, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर्मेट। यहाँ पे उनके ट्रैकिंग सिस्टम में जाएगा और वो रेलिवेंट ना हुआ तो वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाता है। वो क्या करते हैं, आपको बुला लेते हैं, आपको कहते हैं कि जी आप 1000 दिरहम दें, 500 दिरहम दें, आपके पास जितना भी, आप 100 दिरहम भी है ना आप वो दे दें, ठीक है हम आपकी जॉब करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। These are quite cheaper and where you can find metro easily. जी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू ब्यूटीफुल डे। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्यारा दिन शुरू हो चुका होगा और जैसा कि मेरे वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि मेरी आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, बिकॉज क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, जो मुझे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम लोग आना चाहते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी अपनी राय दें कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं और कैसे कैसे हमें प्रोसीजर उसको करना पड़ेगा आने के लिए। UAE या दुबई में आप जॉब के लिए आना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी रिक्वायर होंगी जो एक यहाँ पे नए बंदे आने के लिए, जो जॉब के लिए हंट करने के लिए आना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, तो वो काइंडली आप थोड़ी सी बता दें, तो वो उस चीज़ को बताने के लिए मैंने आज की ये वीडियो रिकॉर्ड की है। अच्छा, तो ये वीडियो देखने से पहले आप जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपकी और भी जो मज़ीद क्यूरीज़ हैं उनके मैं जवाब दे सकूँ, ठीक है, और जो मज़ीद आपके क्वेश्चन हैं उनके भी मैं आंसर कर सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पिछला व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और ये भी इंशाल्लाह फ्रूटफुल होगा उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कोई किसी भी ओवरसीज़ कंट्री में आने का, कहीं बाहर मुल्क जा के जॉब करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वो पहली दफ़ा आना चाहते हैं और उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, तो वो बेसिकली मैं इस वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, पहले से जाके आप मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो चाहते हैं यहाँ पे आना। ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं दुबई में, ठीक है, UAE में आना चाहते हैं अपनी जॉब हंटिंग के लिए, तो क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, ये स्पेशली उन लोगों के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड मिस ना कर सकें। तो मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ, लेट्स गो। जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपने बताया था कि जैसे इंडीड होता है, ठीक है, स्किल भी होता है, लिंक्डइन होता है, इस तरह की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि गल्फ टैलेंट हो गया, बैत हो गया, खलीज टाइम्स जॉब्स हो गई, वहाँ पर अप टू डेट आपकी जॉब्स आती रहती हैं। आया आप लोग अकाउंट से रिलेटेड हैं, आया आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, IT से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, या मार्केटिंग की किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है, जो भी जॉब्स आती है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडीड पर देखते हैं या फिर आप गल्फ टैलेंट पर देखते हैं, जैसे गल्फ टैलेंट हो गया, ठीक है, गल्फ़ टैलेंट के ऊपर आपको GCC कंट्रीज़ की जॉब्स वगैरह आती रहती हैं, बेशक वो UAE में है, बेशक वो ओमान में है, कतर में है, ठीक है, सऊदी अरब में, जहाँ पे भी है वहाँ पे वो आती रहती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इंडीड हो गया, ठीक है, इंडीड के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था कि उसके ऊपर आपको प्रोफाइल अपनी एक बनानी पड़ती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर HRs एक्टिव होते हैं हमेशा, वो है लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन से मुझे जॉब मिली है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिंक्डइन से ही सबको जॉब्स मिलती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन लिंक्डइन इज़ एन ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। वहाँ पे आप ऐसा करते हैं, अपने कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, ठीक है, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को, और वहाँ पे HRs को ऐड करते हैं। HRs को ऐड करने का ये फ़ायदा होता है वहाँ पे कि उनके पास अगर उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी हो और वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल वहाँ पे अपडेट रखनी है, वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट होकर आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, ठीक है, मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे जिस कंपनी में मैं हायर हुई थी, ठीक है, वहाँ की HR ने मुझे मैंने उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है, उसके साथ मैं कनेक्ट हुई थी, कनेक्ट होने के बाद मुझे पता चला था कुछ एक दो हफ्तों के बाद कि उसकी कंपनी में हायरिंग हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने मेरे से बात करना शुरू की, ठीक है, वहाँ से मेरी उन्होंने मेरे से CV मांगी, तो वहाँ से वो सीन चल पड़ा, ठीक है।
तो ये आपको बताने का मकसद है कि आपने ये प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आपने अपनी CV बिल्ड करनी है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक है, यहाँ से आपको जॉब्स की अपडेट आती रहेगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए नहीं है। अगर आप अपनी कंट्री में एक्सपीरियंसड हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है 1 साल का 2 साल का 3 साल का 6 साल का, ठीक है, आपके लिए तब भी ये वीडियो वैल्यूएबल है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज़ का मैं आपको एंड पे जाके जिक्र करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए आपके लिए एक आपकी CV बिल्ड होनी चाहिए, ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की हो ऐसे प्लेटफॉर्म से जो मैंने आपको मेंशन कर दिया, जैसे कि नौकरी गल्फ हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, ठीक है, खलीज टाइम जॉब्स हो गई, बैत हो गई, स्किल भी हो गई, इंडीड हो गई, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिंक्डइन हो गई, ठीक है। इन पे आपने अपनी प्रोफाइल सेट रखनी है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। स्ट्रॉन्ग रेफरेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस कंट्री, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी रिलेटिव, इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड, इफ़ यू हैव एनी सोशल सर्कल, ठीक है, कोई आपका जानने वाला है किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कहीं पर भी जॉब कर रहा है, ठीक है, आप उसका रेफरेंस यूज़ करें, ठीक है, आप उसको उसकी हेल्प लें, ठीक है, उससे कहें कि आपकी कंपनी में अगर कोई वैकेंसी है तो काइंडली डू शेयर, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुझे यहाँ पे कहीं पे रखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में आपका कोई रेफरेंस है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपकी मार्केटिंग फील्ड है, ठीक है, आप उससे कहो कि यार मार्केटिंग का अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई जॉब वगैरह है तो काइंडली मुझे रेफर कर दो, ठीक है, मैं यहाँ पर आगे जॉब करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपका, खासकर दुबई रीजन में, UAE रीजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली यही होता है कि जॉब ज़्यादातर उन्हीं को मिलती है जिनका रेफरेंस स्ट्रॉन्ग होता है। और क्योंकि स्किल बेस्ड पे जॉब मिलना, आप वही मेरी तरह धक्के खाओगे, ठीक है, 20-25 इंटरव्यूज दोगे, उसके बाद कहीं जाके आपकी जॉब होगी, सही है। तो बेहतर यही है कि जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रेफरेंस है, ठीक है, आप उसकी हेल्प लो, उसे बोलो कि यार मुझे कहीं अपनी कंपनी में कहीं पे भी मुझे यार अड़ा दो बस, ठीक है, अड़ा दो। बाद में जगह आपने खुद अपनी बनानी है, बाद में अपनी भी जगह बनाना हो, काइंडली उसकी जिसने आपको अड़ाया हो उसकी जगह ना ख़राब करना, सबसे बढ़कर ये पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ये लोग होते हैं कि स्पेशली लोग होते हैं कि आते हैं, ठीक है, अपनी जगह बना लेते हैं और जिसने आपको लगाया होता है उसकी जगह ख़राब करके चले जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉब मार्केट में, किसी भी फील्ड में, ठीक है। आपने बस अपने आप को बीच में घुसाना है यहाँ पे किसी भी तरीके से, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जब यहाँ पे आने तो आपने किन वेबसाइट्स को अप्रोच करना है, ठीक है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। यूजुअली ये होता है कि उन वेबसाइट पे ना जाके आपने अपनी प्रोफाइल खुद ही बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है, आपको अपने A to Z अपनी सारी वहाँ पे डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी पड़ती है। अगर आपको वो नहीं करना पड़ता तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी रिज्यूमे, आपको CV बनानी पड़ती है, ठीक है। CV बनाने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि यहाँ पे यूज़ होता है ATS फॉर्मेट, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके ज़रिए क्या होता है कि आप लोग अपनी उस फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग की जॉब आई है, ठीक है, मार्केटिंग मैं आपको बता देती हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब आई है, ठीक है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अप्लाई किया, ठीक है, आपने अपनी CV बना ली, ATS फ्रेंडली रिज्यूमे CV बना ली, ठीक है। अगर वो आपने नहीं बनाई और आपने नॉर्मल सी CV बना के भेजा, उनके ट्रैकिंग सिस्टम में जाएगा और वो रेलिवेंट ना हुआ तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वहां पे ATS बनाने के लिए आपने यूज करना है वर्ड का, ठीक है, मैं रिकमेंड करती हूँ वर्ड को यूज करना, ठीक है। कैनवा के लिए आप थोड़ी सी अपनी डिजाइनिंग फील्ड में चले जाते हो, डिजाइन वगैरह की CV बनाने लग जाते हो, ठीक है। बेहतर यही है कि आप वर्ड को अप्रोच करें ATS रिज्यूमे बनाने के लिए, ठीक है। ATS रिज्यूमे बनाने के लिए, CV बनाने के लिए आपने हेडिंग्स नहीं यूज करनी, आपने ग्राफिक्स नहीं यूज करने, ठीक है, आपने जो उसका फॉन्ट है आपने वही यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने फजूल की हेडिंग्स नहीं उसके अंदर यूज़ करनी, ठीक है, उसके अंदर कलर वगैरह स्कीम आपने कुछ नहीं रखनी, क्योंकि वो वर्ड पे अगर आप बनाएंगे तो वर्ड पे वही ब्लैक एंड वाइट होता है, और फॉन्ट स्पेसिफिक ATS का फॉन्ट होता है, आपने वही यूज़ करना है, ठीक है। ATS रिज्यूमे के लिए भी मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी, ठीक है। और जब आप अपनी ATS रिज्यूमे बना लेते हो, ATS CV बना लेते हो, तो कुछ टूल्स होते हैं, जैसे गूगल पे कुछ टूल्स पड़े होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी CV चेक कर सकते हो, अपनी रिज्यूमे चेक कर सकते हो कि क्या ये ATS फ्रेंडली है या नहीं है। उसका कुछ स्कोर होता है, आपको वो स्कोर मैच करना पड़ता है, अगर वो 100% होता है तो यू आर गुड टू गो, आपकी ATS रिज्यूमे बन चुकी है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो पहले आपने प्रायोरिटी पर अपनी ATS रिज्यूमे बनानी है, ठीक है, यहाँ पे दुबई में जॉब लैंड करने के लिए।
इफ यू आर फ्रेशर, इफ यू आर एक्सपीरियंस, इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस, ठीक है, एटीएस रिज्यूमे इज मस्ट। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका वॉक इन इंटरव्यूज, बिकॉज आप अक्सर सुनते आए हैं कि वॉक इन इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, तो आपकी जॉब ईजिली लग सकती है। पहले ज़माने में ये होता था कि आप आते हो यूएई, ठीक है, आपको डोर टू डोर आपको सीवी ड्रॉप करनी पड़ती है, ठीक है। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द बैकग्राउंड व्यू। तो आपको डोर टू डोर सीवी ड्रॉप करनी पड़ती है, ठीक है, अब ऐसा सीन नहीं है, वॉक इन इंटरव्यूज़ इतने नहीं हैं अब, मतलब जहाँ पहले 80% थे वहाँ अब वो 20% रह गए वॉक इन इंटरव्यूज़, ठीक है। यूएई में आने के लिए जो बेस्ट टाइम है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, आपने जून जुलाई में, मई जून जुलाई में नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि उस टाइम गर्मी बहुत होती है, उस टाइम कोई हायरिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। आप कोशिश करें अगस्त सितंबर के, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के मंथ तक आए, नवंबर से भी पहले पहले, ठीक है, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि नवंबर और दिसंबर में क्लोजिंग हो रही होती है, ठीक है, ज़्यादा बिजनेसेस की नवंबर के एंड से छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। दिसंबर में आपको पता है क्रिसमस, फिर न्यू ईयर की तैयारियां, फिर जनवरी फरवरी तक, जनवरी तक ऑलमोस्ट यही सीन चलता है, ठीक है, फरवरी से फिर सीन होता है जॉब्स का। तो आपको मैं जो टाइम बता रही हूँ, जैसे जून जुलाई, मई जून जुलाई में आपने नहीं आना, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आई थी अगस्त में, आई स्टार्टेड अप्लाइंग अगस्त से सितंबर तक अप्लाई की और मेरी जॉब लगी थी 1 अक्टूबर को, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फेक जॉब, फेक जॉब बेसिकली ये होती है, जब आपने यहाँ पे आना ना तो आपने यहाँ पे किसी के झांसे में नहीं फंसना, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आपको बुला लेते हैं, आपको कहते हैं कि जी आप 1000 दिरहम दें, 500 दिरहम दें, आपके पास जितना भी, आप 100 दिरहम भी है ना, आप वो दे दें, ठीक है, हम आपकी जॉब करवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं, उनके पास कोई जॉब्स वगैरह नहीं होती, ठीक है, उनके पास सिर्फ फ्रॉड होता है, धोखा होता है, ठीक है, वो कोई जॉब्स वगैरह नहीं देते, ठीक है। आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, ना 1000 ना 100, इवन आपने 10 दिरहम भी नहीं देने किसी को, ठीक है, जॉब्स के लिए कोई जॉब नहीं ऐसे आपके पैसों से लेके करवाता, ठीक है, ये सब फेक जॉब्स होती हैं, ठीक है। आपने किसी के झांसे में नहीं आना। मैं आपको खुद बताती हूँ, मैं एक इंटरव्यू देने गई थी, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर क्वाइट 2 to 3 hours, ठीक है, 2 से 3 घंटे मैंने वेट किया। उसके बाद जी उन्होंने मुझे कहा कि अभी मज़ीद वेट करें, ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे साथ 3 बंदे और बैठे हैं, वो जॉब देख, वो इंटरव्यू देख कर आ गए, ठीक है। उन्होंने बताया कि जी उन्होंने कहा वेट करो, वेट करके, वेट करने के लिए हम बैठे हुए हैं, तो उसको दोबारा एक लड़के को बुलाया उन्होंने इंटरव्यू के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कंपनी को इतनी हाई फाई नहीं थी, लेकिन उधर चल 3 इंटरव्यूज रहे थे, उन्होंने उस लड़के को तीसरे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तीसरे इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया, उससे पैसों की डिमांड कर ली, ठीक है, पैसों की डिमांड कर ली कि जी आप हमें पता नहीं कितना उस टाइम था, 500 to 1700 कुछ था, इतने दिरहम दो हम आपकी जॉब करवा देंगे, ठीक है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 3 घंटे वेट करने के बाद मुझे पता चला कि ये जलालत यहाँ पे हो रही है, ठीक है, और वहाँ से मैं फ़ौरन भागी हूँ। ऐसी कोई जॉब नहीं होती, ठीक है, आपने किसी के झांसे में नहीं आना। अच्छा, उसके बाद आता है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके स्किल्स बहुत हाई फाई हैं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, तो प्लीज़ कोई ओवर सैलरी डिमांड मत कीजिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इफ़ यू आर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थी, मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अपनी मिसाल इंसान बेहतर तरीके से दे सकता है, ठीक है। जैसे मैं थी डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है, तो मैंने शुरू किया था जॉब्स पे अप्लाई करना 10,000 से, ठीक है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 10,000 की जॉब लगे मुझे, मुझे लग रहा था कि मार्केट का रेट ही ये है मेरी जॉब का, ठीक है, 10,000 से। खैर मैंने अप्लाई करना शुरू किया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो यहाँ पे, 2 किस्म के फ्रेशर यहाँ पे होते हैं, ठीक है, एक होता है जिसको यहाँ का GCC का एक्सपीरियंस नहीं होता, एक होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता पर उसको नॉलेज होता है चीज़ों का, ठीक है। आई वॉज दैट वन, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था बट मुझे चीज़ों का नॉलेज था, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कम सैलरी पे, मतलब पैकेज पे मुझे हायर कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक्सपीरियंस आ जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है वो शुरू होती है 4,000, 4,500 के राउंड, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग सैलरी लगती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ, सेल्स की जॉब आ जाती है तो वो 2,500 to 3,500 की आती है, स्टार्टिंग लगती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल सेट,
डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपको अपनी होम कंट्री में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ठीक है, या आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लग जाता है, ठीक है, उस पर आपकी स्टार्टिंग लगती है 2500 to 3500 फॉर सेल्स, ठीक है। और इस तरह ही आईटी फील्ड की डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, 4500, 4000, 5000, ठीक है, 6000, 7000, इस तरह की सैलरी पैकेज ऑफर होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड कौन सी है, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉक्टर्स की और जो मेडिकल से रिलेटेड है उनकी फील्ड को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि उनकी एक सेपरेट कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पे लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। वो मैं आपको किसी और वीडियो में कवर करूँगी कि उनके लिए कौन सा लाइसेंस ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट मेरा रह गया लिविंग एक्सपेंस, ठीक है। लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पाकिस्तान का बताती हूँ, करंटली जो पाकिस्तान के वीज़ाज है ना वो बैन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई मेरा विजिट वीज़ा भी नहीं लग रहा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी नहीं लग रहा, आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, वो मैं बताऊँगी कि क्यों नहीं लग रहा और क्या रीज़न है जो पाकिस्तानीज के वीज़ाज बैन हुए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए आना चाहते हैं, बेटर टू कम ऑन 2 months विजिट वीज़ा, ठीक है। विजिट वीज़ा 2 month के लिए आप आएँ, ठीक है। और अगर आपने अपना रहने का देखना है, रहने का कहाँ पे करना है, तो वो मैं आपको एरियाज़ बता देती हूँ, जैसे बुर्ज दुबई हो गया, डेरा हो गया, ठीक है, दुबई में ये साइट्स हैं, दीज आर क्वाइट चीपर एंड वे यू कैन फाइंड मेट्रो ईजीली, दीज आर द एरियाज फ्राम वेयर यू कैन फाइंड द मेट्रो एंड द बस ईज़िली, एंड दीज आर द एरियाज जहाँ आपको चीपर अकोमोडेशन मिलती है, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो लड़के आते हैं तो बेड स्पेस पे ऑब्वियसली रहना प्रेफर करते हैं, तो आप डेरा बुर्ज दुबई वाली साइड पे रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से चीपर अकोमोडेशन मिल जाती है। अगर वहाँ पे नहीं रहना, आपने थोड़े से और पैसे बचाना है, तो आप शारजा की साइड पे मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वी यूज़ टू लिव इन शारजा, क्योंकि हमारे पास ये था कि हमारे पास उस टाइम कम्यूट सिस्टम प्रॉब्लम थी, ठीक है, हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, ठीक है, तो हम लोग रह रहे थे बॉर्डर की साइड पे, ठीक है, जहाँ पे दुबई और शारजा का बॉर्डर होता है, वहाँ से आपको बस दुबई के लिए इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो आपने किसी ऐसे एरिया में आके रहना है जहाँ पे आपके लिए इजीली ट्रैवल करना हो, ठीक है, जहाँ पे आपको बस मेट्रो वगैरह इजीली अवेलेबल हो और वहाँ पे रहने का एक्सपेंस भी कम। तो ये जो मेरी वीडियो थी, ये बेसिकली उन लोगों के लिए थी, दोज हु आर फ्रेशर एंड हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है, या उन लोगों के लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है और वो यहाँ पे आके जॉब्स करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप आप दोनों की क्यूरीज़ इस वीडियो में मैंने आंसर कर दी होगी। अगर मज़ीद आपको कोई क्यूरीज़ करनी है, ठीक है, तो आप काइंडली मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने आपको ये जॉब्स उनके लिए बताई हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो आईटी से रिलेटेड है, जो सेल्स की जॉब करते हैं, जो अकाउंट्स की फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए जॉब्स हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर मेडिकल फील्ड को कवर नहीं किया, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल, उनके लिए एक अलहदा वीडियो है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक लाइसेंस रिक्वायर होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल अलहदा वीडियो एक बनेगी, ठीक है, उसमें वो चीज़ें मैं कवर करूँगी। उसके बाद मैंने आपको सारी सैलरी वेबसाइट्स, ठीक है, सब कुछ का बता दिया, CVs का बता दिया फॉर्मेट। अगर मुझे लगता है कोई चीज़ मिस हुई है तो काइंडली वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई होप यू रियली लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद इस तरह के कॉन्टेंट के साथ और वीडियोज़ बनाऊँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। टिल देन आप मेरे पीछे का व्यू इन्जॉय करें।